यूपी के फिरोजाबाद में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के मेरठ में ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत का माहौल। नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने एक घर पर की फायरिंग। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस घटनास्थल से गोलियों के कोके बरामद किए। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के जयपुर में भीषण सड़क हादसा। दो एसयूवी गाड़ियों की भिड़ंत में चार लोगों की दर्दनाक मौत। कई लोगों के घायल होने की खबर। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लगा। पश्चिम बंगाल के मालदा में आकाशीय बिजली का कहर। बिजली गिरने से एक ही दिन में 11 लोगों की मौत। दो लोग झुलसे। मृतकों के दो स्कूली छात्र भी शामिल। जिला प्रशासन ने मृतकों के परिवार के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। यूपी के शामली में दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं पर बरसाए लाठी डंडे। मारपीट में कई महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। महिलाओं से मारपीट का वीडियो वायरल। थाने से मात्र 200 मीटर की दूरी पर हुई जमकर मारपीट। यूपी के रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का जला हुआ मिला शव। हत्या कर महिला के शव को जलाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। हिमाचल के मनाली में युवती के बेरहमी से हत्या। टैक्सी में बैग के अंदर मिला शव। आरोपी को हिरासत में लेकर जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के गुरुग्राम में रोडरेज में मर्डर। पार्किंग विवाद में दो भाइयों कार से कुचला। एक की मौत। दूसरे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। जैश ए मोहम्मद के आतंकी की संपत्ति को किया गया कुर्क। 31 जनवरी 2020 को सरताज को किया गया था गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कुपवाड़ा से आतंकियों के मददगार को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से गोला और बारूद बरामद। उधर रायबरेली में सपा के बागी विधायक मनोज पांडे आज बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ, देखिए एक मिनट में पूरी खबर। रायबरेली में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे आज बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। मनोज पांडे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। आज उंचाहर विधानसभा क्षेत्र के जगतपुर स्थित दौलतपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मनोज पांडे बीजेपी में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 12 मई को अपनी रायबरेली रैली के बाद समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे के घर गए थे। उनके साथ बीजेपी के रायबरेली प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह भी थे। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग के बाद समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने वाले मनोज पांडे के घर पर अमित शाह जाने के बाद ही उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तरी गाजा में नहीं थम रही बमबारी। गाजा पट्टी पर इजरायली सेना के हमले के दौरान धुएं का गुबार उड़ता हुआ नजर आया। कोलोराडो के मुख्य पूर्व पश्चिम राजमार्ग पर टैंकर ट्रक हुआ दुर्घटना का शिकार। हादसे में एक शख्स की हुई मौत, वहीं एक गंभीर रूप से घायल। ओहायो में एक घर में घातक धमाके से हड़कंप मचा। हादसे में पिता बेटी की हुई मौत, वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल। यूएस के इस फिनिक्स फैक्ट्री में विस्फोट से हड़कंप मचा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में अभी कोई जनहानि की खबर नहीं। मिडिल ईस्ट में इजरायली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मिडिल ईस्ट में इजरायली पुलिस ने एक हमलावर को मार गिराया। सरकारी चाकू मारने की कोशिश। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की मुलाकात। दोनों ने बीजिंग में मुलाकात की। बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। और असंवेदनशील बयान प्रियंका गांधी जी का सामने आया। असंवेदनशील तो वो थी ही, लेकिन आज उनके बयान भी सामने आ रहे हैं। जाहिर है आम आदमी पार्टी के लिए ये मुद्दा नई मुसीबत बन चुका है।
अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में अभी अंतरिम जमानत मिली है और चुनाव प्रचार के बीच ये मुद्दा आप पर हावी है। मालीवाल से बदसलूकी आप पार्टी के गले की फांस बन गया है। केजरीवाल पर विभव को बचाने के आरोप लग रहे हैं। अब देखना होगा कि विभव पर FIR के बाद कितनी जल्दी पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं 2024 के चुनाव को लेकर के। लगातार ये देखा जा रहा है कि तमाम दिग्गज प्रचार प्रसार में जुटे और आज पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से यूपी में और इसके अलावा महाराष्ट्र में रैली करने वाले हैं। पांचवें चरण के लिए जोरदार प्रचार में जुटे हुए पीएम नरेंद्र मोदी। तो वहीं आज उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर में रैली करेंगे। तो वहीं मुंबई के शिवाजी पार्क में मेगा रैली करेंगे। पीएम के साथ मंच पर राज ठाकरे भी मुंबई में मौजूद रहेंगे। जाहिर तौर पर इससे पहले भी पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पहुंचे थे, रैलियां की थी और आज एक बार फिर से मुंबई के शिवाजी पार्क में मेगा रैली होने वाली है। ये दो तस्वीरें जोरदार प्रचार की, जब पीएम नरेंद्र मोदी कल यूपी में अलग अलग क्षेत्रों में रैली करते हुए नजर आए थे और दूसरी तरफ विपक्ष पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। पांच तस्वीरें पीएम नरेंद्र मोदी जहां मुंबई में आज मेगा रैली करेंगे, तो वहीं शिवाजी पार्क में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे और वहीं गृहमंत्री अमित शाह का भी मेगा प्रचार होगा। यूपी में योगी की ललकार सुनाई देगी, तो वहीं राहुल और अखिलेश यादव आज साथ साथ नजर आएंगे। तो वहीं राजनाथ सिंह भी मेगा प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो ये जोरदार प्रचार का ये अब दौर जारी है क्योंकि पांचवें चरण के लिए लोकसभा चुनाव होना है। तो लोकसभा चुनाव पांचवें चरण के लिए लगातार मेगा प्रचार में तमाम दिग्गज जुटे हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की मेगा रैली आज होने वाली है। तो आज पीएम नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में तुफानी प्रचार करेंगे। मुंबई के शिवाजी पार्क में पीएम मोदी की आज मेगा रैली है, जिसमें MNS नेता राज ठाकरे भी पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। चार जून के बाद ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। ये फिर से पाकिस्तान के पास गुलाब लेकर जाएंगे, कबूतर उड़ाएंगे। मेगा प्रचार, इंडी पर प्रहार। आपको सपा कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है। तूफानी दौरा, खटाखट वार। चार जून के बाद ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। मोदी के तीर घाव करे गंभीर। देश चलाना सोने की चमक लेकर के पैदा हुए बच्चों का खेल नहीं है। पांचवें चरण के रण से पहले पक्ष विपक्ष के तूफानी प्रचार का सिलसिला जारी है। मिशन 400 पार के संकल्प को पूरा करने के लिए बतौर सुपरस्टार प्रचारक पीएम मोदी अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। सधे हुए सियासी तीर चला रहे हैं। विपक्ष के आरोपों का दम निकालने के लिए मुद्दों की धार और रफ्तार के साथ प्रहार कर रहे हैं। अब बचे हुए तीन चरणों के लिए सधी हुई रणनीति के साथ जनता का दिल जीतने की तैयारी है। आज पीएम मोदी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रचार करेंगे। मुंबई के शिवाजी पार्क में पीएम की मेगा रैली होगी। पीएम के साथ राज ठाकरे मंच साझा करेंगे। पीएम मोदी की आज पहली जनसभा सुबह 11:15 बाराबंकी यूपी में होगी। दूसरी जनसभा दोपहर 1:00 फतेहपुर यूपी में होगी। उसके बाद पीएम हमीरपुर का रुख करेंगे। हमीरपुर की रैली के बाद शाम 6:15 मुंबई के शिवाजी पार्क में पीएम की मेगा रैली है। पीएम लगातार अपनी रैलियों में इंडी गठबंधन की नीति, नियत और नेताओं पर करारा प्रहार करते रहे हैं। 4 जून के बाद मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी, देश की जनता मोदी सरकार तो बनाएगी बनाएगी, लेकिन इतना भर नहीं, और भी बहुत कुछ होने वाला है। क्या होगा मैं बताऊं? ये इंडी गठबंधन
टूट करके बिखर जाएगा खटाखट खटाखट। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 साल 5 पार्टियां और 5 PM पर बोलते हुए कहा कि इनके पास सरकार चलाने का आखिर क्या फॉर्मूला है। साथ ही इंडी गठबंधन के सेना के शौर्य पर सवाल उठाने पर भी पीएम मोदी ने निशाना साधा। इनका फॉर्मूला है 5 साल में 5 पार्टियों के 5 PM बनाएंगे, हर साल एक नया PM। इंडी गठबंधन में वही लोग हैं जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। ये फिर से पाकिस्तान के पास गुलाब लेकर जाएंगे, कबूतर उड़ाएंगे। मिशन 400 पार के लिए पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के जो दिग्गज प्रचार की कमान संभालेंगे, जरा वो भी जान लीजिए। आज अमित शाह यूपी, ओडिशा और झारखंड में प्रचार करेंगे। अमेठी, राउरकेला और रांची में शाह की रैली है। यूपी में सीएम योगी का तूफानी प्रचार आज भी जारी रहेगा। योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी, गोंडा, लखनऊ और अयोध्या में प्रचार करेंगे। वहीं बलिया में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रचार की कमान संभालेंगे। जाहिर है यूपी में बेहतरीन प्रदर्शन करना पक्ष और विपक्ष दोनों का एजेंडा है। आज अमेठी और रायबरेली में राहुल और अखिलेश संयुक्त जनसभाएं करेंगे। बीजेपी 4 चरणों में ही 270 पार के दावे कर रही है, तो वहीं विपक्ष का दावा है कि 4 जून को बदलाव होगा। 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। जन समर्थन इंडिया गठबंधन के लिए जनता में दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। देश की जनता बदलाव चाहती है, वो बदलाव 4 जून को आने वाला है। अब मुकाबला दिलचस्प है, टक्कर जोरदार है और 4 जून का इंतजार है जब असली तस्वीर देश के सामने होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।